ज्ञानवापी मामले वाराणसी जिला अदालत से बड़ी खबर, एएसआई ने पेश की सर्वे रिपोर्ट। सफेद रंग के सीलबंद लिफाफे में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने की थी सीलबंद लिफाफे में ही रिपोर्ट पेश करने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 100 दिनों तक सर्वे कराया गया, 21 दिसंबर को मिलेगी सर्वे की कॉपी। पहले 11 नवंबर को एएसआई वाराणसी कोर्ट में पेश करने वाली थी रिपोर्ट, लेकिन सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की तबियत खराब होने से ऐसा नहीं किया जा सका। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे बड़ी सौगात, 19,150 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्वेद महामंदिर का किया उद्घाटन, ये है विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की सेवा को बताया अपना सौभाग्य, कहा यहां बीता हर क्षण अद्भुत। संसद खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, खिलाड़ियों से की मुलाकात। संसद में सुरक्षा चूक और 14 सांसदों के निलंबन पर दोनों सदनों में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा स्पीकर ने गठित जांच कमेटी की जांच का हवाला दिया, विपक्ष ने फिर भी हंगामा किया, सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सुरक्षा चूक मामले पर बोले स्पीकर ओम बिरला, कहा मामले की हो रही उच्च स्तरीय जांच, पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा चूक का मुद्दा अलग अलग विपक्ष कर रहा है राजनीति। आज संसद के मॉनसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह 3 संशोधित क्रिमिनल लॉ बिल करेंगे पेश, ये 3 बिल पीसी सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। स्टबेस के सीईओ अनंत भारद्वाज ने एआई हब लॉन्च किया, कहा भारतीय कंपनियों को एआई को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। संगम नगरी प्रयागराज में नए साल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सौगात, यमुना नदी में तैयार किया गया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में करीब 150 लोग सवार हो सकते हैं, कई प्रकार के व्यंजन का आनंद मिलेगा। बाबा महाकाल के दरबार में सांसद रवि किशन, मंदिर परिसर का भी लिया जायजा। सीतामढ़ी में विवाह पंचमी पर गंगा आरती का भव्य आयोजन, लक्ष्मण नदी के तट पर किया गया आयोजित, वाराणसी से आए ब्राह्मणों ने महाआरती कर समा बांधा। इसराइल और हमास की जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, आईडीएफ के मुताबिक उसने गाजा की सबसे बड़ी सुरंग को खोज निकाला। आईडीएफ सुरंग को साफ करने में जुटी, अब तक इसका 4 किलोमीटर का हिस्सा किया गया क्लियर। इजरायली सीमा के काफी करीब तक पहुंचती है यह सुरंग, आईडीएफ के मुताबिक सुरंग के ज्यादातर हिस्से से गुजर सकते मिनी ट्रक। इसराइल ने सुरंग को लेकर किया दावा, सुरंग में हमास नेता यहां सिनवार के भाई की पुरानी तस्वीर जारी की। मासूमों पर हमले को लेकर आईडीएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सफाई दी, आत्मसमर्पण करने वालों पर गोली नहीं चलाती इजरायली डिफेंस फोर्स।